तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, और आपकी 12th की टेक्स्ट बुक में पॉलिनेशन वाले टॉपिक में एक छोटी सी हेडिंग दी हुई है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम पे। है बहुत छोटी लेकिन ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि पॉलिनेशन इसके बिना अधूरा है। तो आउटब्रीडिंग किसे कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, क्या ज़रूरत पड़ी नेचर को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को इवॉल्व करने की, आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टली मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। एक को मैं यहां पे लिख रहा हूं आउट ब्रीडिंग, और इसी से मिलता जुलता है दूसरा टर्म मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, दैट इज इन ब्रीडिंग। तो दो सिंपल इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। अपने कन्वीनियंस के लिए आप समझ लीजिए कि इन ब्रीडिंग को मैं बोल रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन, और आउट ब्रीडिंग को समझ लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन। इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन और इन ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग, टेक्निकली ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं, अलग-अलग प्रोसेसेस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये बात आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। और सेल्फ पॉलिनेशन को मैं इन ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग को सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेल्फ टर्म जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सेम प्लांट, सेम प्लांट सेम होना चाहिए। और इसमें ये जो इन टर्म यूज किया गया है इसका भी मतलब है सेम। इसी तरीके से अगर आप यहां समझ पाए तो क्रॉस का मतलब है डिफरेंट प्लांट, और आउट का मतलब यहां पे है डिफरेंट से। तो यानी कि यहां पे प्लांट सेम, यहां पे भी प्लांट सेम, यहां पे प्लांट डिफरेंट, यहां पे भी प्लांट डिफरेंट, इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूं आपके समझने के लिए, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। अगर एक बार रिवाइज करूं मैं तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पेस्टिल, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और अगर पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे लेकिन प्लांट वही हो, सेम हो, तब हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन या तो विद इन द फ्लावर होगा, इफ फ्लावर इज गेटिंग पॉलिनेटेड बाय इट्स ऑन पॉलिन तब हम पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, या फिर अगर दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो उसी प्लांट का फ्लावर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन रिलीज होकर के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड कर रहा है उसके स्टिग्मा पे, तब इसको जीनोगैमी या जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन किसी एक पर्टिकुलर में एडवांटेजियस है। सेल्फ पॉलिनेशन का अपना कुछ क्या है, एडवांटेज है। और बहुत सारे प्लांट्स जो सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं या एनकरेज करते हैं, वो अपने अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे उसी फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखे, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो इन सारी मैकेनिज्म्स को ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, एक बार मैं तेजी से रिवाइज करा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडिटी, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड रिलीज ऑफ पॉलन में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए बिटवीन द एंथर्स एंड स्टिग्मा, क्लिस्टोगैमी मैंने आपको बताया था। ये सारे मैकेनिज्म्स हैं जो इंश्योर करती हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो जो मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करेंगी इनको हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म्स टू एंश्योर और एनकरेज
सेल्फ पॉलिनेशन। और क्या ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगे, जो मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को एंश्योर करेंगी, वो इन ब्रीडिंग को भी तो एंश्योर करेंगी। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं मैकेनिज्म्स को मैं बोल रहा हूँ इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, इनको मैं बोल रहा हूँ इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने वाली मैकेनिज्म्स का जस्ट रिवर्स पढ़ें, जैसे बाईसेक्सुअलिटी की जगह पे यूनिसेक्सुअलिटी, एक टाइम पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के मैच्योर होने के बजाय डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर हों या बने गैमेट्स, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के बजाय दूर दूर रहें, मोनोइसियस प्लांट प्रोड्यूस होने के बजाय डाइसियस प्लांट प्रोड्यूस हों, तो ये सब सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगे। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन को मैकेनिज्म इंश्योर करेंगी वो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगी। लेकिन अगर इसका जस्ट रिवर्स करें हम, तो वही मैकेनिज्म्स सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगी, इनको मैं बोल रहा हूं मैकेनिज्म्स टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। और जो मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करेंगी वही मैकेनिज्म इन ब्रीडिंग को भी क्या करेंगी, इंश्योर करेंगी या एनकरेज करेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और ये समझिए कि इन्हीं मैकेनिज्म्स को मैं बोल रहा हूं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, इन्हीं को मैं बोल रहा हूं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक बात ये समझ में आ गई कि जो मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करेंगी वो इन ब्रीडिंग को भी इंश्योर करेंगी, उनको मैं बोल रहा हूं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, और जो मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करेंगी वो आउट ब्रीडिंग को भी इंश्योर करेंगी, उनको मैं बोल रहा हूँ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, उनको मैं बोल रहा हूँ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये समझिए आप कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को नेचर ने इवॉल्व किया। सेल्फ पॉलिनेशन जब अपने आप में एडवांटेजियस है, उसका कोई पर्टिकुलर क्या है एडवांटेज है, तो नेचर ने क्यों इसको डिस्करेज करने की कोशिश की। कोई ना कोई इसमें ड्रॉबैक रहा होगा, कोई ना कोई इसका डिसएडवांटेज रहा होगा, इसलिए नेचर ने इसको क्या करना शुरू किया, डिस्करेज करना शुरू किया, और इसको इंश्योर करना या फैसिलिटेट करना या बढ़ावा देना शुरू किया क्रॉस पॉलिनेशन को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होगा, और उसकी बॉडी में चाहे जितनी मर्जी सेल्स हों, हर एक सेल का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एक जैसा होगा। जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी का एक या मेरा एक क्या है पर्टिकुलर जीनोटाइप है, और हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है, मेरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, ऑल द डिफरेंट सेल्स आर गोइंग टू हैव सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, सारी सेल्स के पास एक जैसा जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या आपको एक बात यह समझ में आ रही है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लांट है, तो उस प्लांट में चाहे जितनी सेल्स होंगी, हर एक सेल का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एक जैसा होगा, और गैमेट्स भी तो एक तरीके की सेल्स होती हैं, उनका भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एक ही जैसा होगा चाहे जितने गैमेट्स बने। तो अगर एक फ्लावर की मैं बात करूं और उसी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात करूं, तो उन गैमेट्स की भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एक जैसा होगा। या फिर उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के गैमेट्स की मैं बात करूं, तो उनका भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट एक जैसा होगा। और अगर सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले, सेम जेनेटिक एंडाउमेंट वाली दो सेल्स आपस में फ्यूज करें या फर्टिलाइज करें, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा या जो इससे प्रोजनी प्रोड्यूस होगी वो अपने पेरेंट के जैसे होगी। अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो मैं क्लोन फॉर्मेशन या क्लोन फॉर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से क्लोन जो होते हैं वो आपस में एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट के भी सिमिलर होते हैं, उसी तरीके से अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूं, तो यहाँ पे सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट है जो प्रोडक्ट या प्रोजेनी, उसका भी जीनोटाइप अपने पेरेंट का जैसा होगा। यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है जिसके लिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, या फिर नेचर ने जिसके लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चेंज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवॉल्व किया कि यहाँ पे चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, तो वही नहीं आ पा रहा है किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग में। और यहाँ पे अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि नेचर जो है, सराउंडिंग जो है हमारा, वो हमेशा चेंज होता रहता है, एवर चेंजिंग सराउंडिंग है हमारे पास। और नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नेचर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन। नेचर का ये मानना है कि जो सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर पाएगा, चेंज कर पाएगा, वही सर्वाइवल के लायक है और उसी का फर्दर सर्वाइवल पॉसिबल होगा। और जो अपने आप को अच्छी तरीके से सराउंडिंग के हिसाब से नहीं बदल पाएगा, उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा, वो हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में, वो क्या हो जाए, हो सकता है एलिमिनेट हो जाए बाय द नेचर। तो नेचर करती भी यही है कि जो बेस्ट होता है, जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट होता है, उसी को सेलेक्ट करती है, और जो अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से नहीं चेंज कर पाता है, उसको एलिमिनेट कर देती है। तो वेरिएशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सराउंडिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं या इनब्रीडिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज या वेरिएशन नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या बहुत बड़ा कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है। और अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे प्रोजनी के पास कोई जेनेटिक सुपीरियरिटी नहीं होगी, और अगर वो भी होगी भी तो वो धीरे धीरे लूज होती चली जाएगी अगर आप बार बार सेल्फिंग करा रहे हैं या बार बार सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग करा रहे हैं। प्लांट की इम्यून रिस्पॉन्स या उसकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, यानी ओवरऑल इसका चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स आ इसलिए रही हैं क्योंकि हम लोग क्या करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं या फिर इनब्रीडिंग करा रहे हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को जो कॉन्टिन्यूड इनब्रीडिंग की वजह से हो रही है, कॉन्टिन्यूड इनब्रीडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनको मैं बोल रहा हूँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपके सामने लिखा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन और वी कैन से कॉन्टिन्यूड इनब्रीडिंग रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है किसका, सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग का। और इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए नेचर ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप किए, कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। और उन्हीं डिवाइसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो इनब्रीडिंग से बचाएंगी, जो आउटब्रीडिंग को एनकरेज करेंगी डिवाइसेस, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या आउटब्रीडिंग डिवाइस मैं किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए टर्म यूज कर रहा हूँ? सो नेचर हैज प्लांट सम वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिजम्स that ensure outbreeding, and that particular evolved mechanisms or devices are defined as outbreeding devices. Nature ने inbreeding से बचने के लिए, outbreeding को encourage करने के लिए जो important devices या adaptations develop किए during the course of evolution, उन्हीं particular devices को मैं बोल रहा हूँ outbreeding device। उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, outbreeding device। अगर आपको ये इतनी बात समझ में आ गई तो वन बाई वन मैं आपके सामने outbreeding devices को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी, mechanism to ensure self-pollination, अगर आपको वो हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से याद है तो यहाँ पे outbreeding की devices को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है आपको, क्योंकि जस्ट उसी का रिवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक बार तेजी से आपको बता दूं कि जो मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करेगी, उनके लिए अगर हम बात करें तो बाइसेक्सुअलिटी या हर्मेफ्रोडिटी, इसका उल्टा करेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करेंगी। मोनोएसियस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो डाइसियस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो इसी तरीके से हम लोग सिर्फ उन मैकेनिज्म्स को जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन को एनकरेज कर रही थी, उनका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास सारी लिस्ट आ जाएगी किसकी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। वन बाय वन मैं लिखा हूं, आप रिलेट करते जाइएगा उसको जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उससे। सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का मतलब आप ये समझिए, इसको मैं रिलेट कर रहा हूं पिछले वाले टॉपिक से। वहां पे मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअलिटी, हर्मेफ्रोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर्स आर हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे,
एक ही फ्लावर में, तो टेंडेंसी होगी कि उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिंग बग पे जाकर के क्या हो जाए, लैंड कर जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो डाइक्लिनी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसी हेडिंग में एनसीईआरटी लिख रही है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। दुनिया के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एक ही बात है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं जिनमें दोनों मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो मैंने एक और बात आपको बताया था जब सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाया था कि सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी होना ही काफी नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। सिर्फ यही काफी नहीं है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए इन द रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। यानी कि स्टिग्मा उसी टाइम पे रिसेप्टिव हो जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रहा है, अदरवाइज अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो वो पॉलन को एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं होगी, तो यहाँ पे वो पॉलन जो है वो डिजर्नेट हो जाएगा पड़ा पड़ा स्टिग्मा पे, वायबिलिटी को अपने क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो यहाँ पे जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे स्टिग्मा अगर रिसेप्टिव है तब जाकर के सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती थी। और मैंने एक चीज आपको बताया था कि एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत प्रॉक्सिमिटी में, बहुत क्लोज अगर अरेंज्ड होंगे तब जाकर के ये चांसेस है कि वहीं पे रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के गिर जाए। तो उसमें भी बाद में आते हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक पे अगर हम आए, दूसरी डिवाइस पे आए, तो बाइसेक्सुअलिटी ही काफी नहीं है इसके लिए, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी ही काफी नहीं है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और अगर हम सिंक्रोनाइजेशन को हटा दें, एक ही टाइम पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो मैच्योर हो रहे हैं इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि डाइक्लिनी करके हमने क्या किया, डाइक्लिनस फ्लावर का मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डाइक्लिनी का मतलब प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि मेजोरिटी ऑफ, हमारे हाथ में तो है नहीं, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें टेंडेंसी बढ़ गई किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि बाइसेक्सुअलिटी ही होना काफी नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, बाइसेक्सुअल के साथ साथ अगर एक्सपोज्ड हैं इनके फ्लोरल पार्ट्स, एक कंप्लीट कैस्मोगैमस फ्लावर है, तो यहाँ पे एक सिंक्रोनी होनी चाहिए किसमें, मैचुरेशन में दोनों सेक्स ऑर्गन के। अगर हम बचना चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी, तो हम क्या कर दें, यहां पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के मैच्योर होने का टाइम अलग अलग कर दें। अगर मेल पहले मैच्योर हो तो उस टाइम पे फीमेल ना मैच्योर हो, अगर फीमेल पहले मैच्योर हो गई है तो मेल उस टाइम पे ना मैच्योर हो। यानी कि जब पॉलन रिलीज हो तो स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, उसको एक्सेप्ट करने के लायक ही ना हो, और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है तो उसी फ्लावर का पॉलन ना रिलीज होने के लायक हो, यानी कि अभी एंथर जो है वो क्या हो, इमेच्योर हो। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर डिफरेंट टाइप पे क्या होंगे, मैच्योर होंगे, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफरेंट टाइप पे क्या होंगे, बनेंगे, और अगर ऐसा होगा तो उसी प्लांट के पॉलन उसी स्टिग्मा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो अगर सेम टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमेट बनते थे तो उसको हम होमोगैमी बोलते थे, और उसी का उल्टा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज डाइकोगैमी, डाइकोगैमी। When we talk of डाइकोगैमी, in case of डाइकोगैमी, either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of pollen. Pollen या तो पहले release हो जाए stigma के receptive होने से, या फिर अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है तो उसके बहुत बाद में क्या रिलीज हो, पॉलन रिलीज हो। तो अलग अलग टाइम पे हो रहा है ये, तो टेंडेंसी कम हो जाएगी किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की, टेंडेंसी कम हो जाएगी किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन में। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइकोगैमी को जब हम डिफाइन कर रहे हैं
रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, सिंपल टर्म में हम ऐसा समझ सकते हैं इसको। यानी कि यहाँ पे हम एक बात ये समझ सकते हैं कि डाइकोगैमी में या तो मेल पहले मेच्योर हो रहा है या तो फीमेल पहले मेच्योर हो रही है। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन पहले मेच्योर हो रहा है तो इसके लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं प्रोटेंड्रस। यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो दो टर्म्स हैं, प्रो का मतलब है पहले और यहां पे एक और टर्म यूज किया गया है एंड्रस। और एंड्रस एंड्रो हमने आपको बताया था कि एंड्रोजन से डराइव्ड है और एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है, तो एंड्रस या एंड्रो वर्ड हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, मेल्स के रेफरेंस में। तो प्रोटेंड्रस यानी कि मेल पहले मेच्योर होगा, मेल सेक्स ऑर्गन पहले मेच्योर होगा, तो कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्रस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं, एक सनफ्लावर, सनफ्लावर और एक दूसरा एग्जांपल इसमें हमको याद रखना है साल्विया का। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में हमको देखने को मिलता है प्रोटेंड्रस कंडीशन इन दोनों पर्टिकुलर प्लांट में। इसका जस्ट उल्टा अगर मैं बात करूं कि अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मेच्योर हो तो इस कंडीशन को मैं बोलूंगा प्रोटो गाइनस। यहां पे प्रो या प्रोटो का मतलब क्या है, पहले, और गाइनो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर पहले मेच्योर हो रही है तो प्रोटो गाइनस कंडीशन बोलेंगे। जो एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं इसमें, मीराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं, मीराबिलिस जलापा, ग्लोरियोसा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज प्लांटैगो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में हमको प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन इससे इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें सनफ्लावर की या फिर बात करें किसकी, मीराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट की, तो इन दोनों ही प्लांट्स में सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के भी उतने ही चांस होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के भी उतने ही चांस होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें साल्विया के लिए, तो साल्विया में एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होती है जस्ट टू इंश्योर द चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि साल्विया का अगर हम फ्लावर की बात करें तो सपोज ये क्या है, इसका थैलमस है, और यहाँ पे थैलमस के फर्स्ट नोड पे आपको पता है कि प्रेजेंट होगा ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल या ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स। और इसी तरीके से अगर सेकेंड नोड की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड नोड पे कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला। और टॉप मोस्ट नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेसल स्वेलिंग बल्ज पोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, और इसके ऊपर एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे स्टाइल, और अपर मोस्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और थर्ड नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा फिलामेंट, और एट द एंड ऑफ फिलामेंट देयर विल बी अ बाइलोब स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। इसी तरीके से सपोज यहाँ पे एक स्टेमेन ये है, और सपोज यहां पे एक स्टेमिन ये है। तो साल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, एंटेमोफिली पाई जाती है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सपोज इसका जो पॉलिनेटर है वो नेक्टर के सर्च में या नेक्टर को सर्च करने के लिए इस फ्लावर पे आया। सपोज ये है इसका पॉलिनेटर, और ये नेक्टर ढूंढने के लिए या नेक्टर के चक्कर में आ गया इस फ्लावर पे। यहाँ पे जैसे ही ये बैठा, जैसे ही इस फिलामेंट पे या फ्लावर पे बैठेगा, इसका कोई दूसरे स्टेमेन का फिलामेंट तुरंत इस तरीके से टर्न अप हो जाएगा। जैसे ये ऐसा है तो ये घूम जाएगा इस तरीके से, इसके बॉडी पे ये टच कर जाएगा इसका एंथर, यानी कि ये फिलामेंट अब ऐसा हो गया, इस तरीके से टर्न हो गया। और जैसे ही एंथर इस पॉलिनेटर के बॉडी से टच करेगा तुरंत ये डेहिसाइज हो जाएगा, इसका डेहिसेंस हो जाएगा, सारे पॉलेंस रिलीज हो जाएंगे। आपको पता है कि एंटेमोफिलस फ्लावर या जूफिलस फ्लावर में जो पॉलेंस होते हैं वो स्टिकी नेचर के होंगे, ये सारे के सारे पॉलेंस इसकी बॉडी पे इस तरीके से कोट कर लेंगे, चिपक जाएंगे, और फिर उसके बाद नेक्टर लेकर के ये उड़ जाएगा, जाके किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगा। और आपको पता है कि अगर दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो वहां की स्टिग्मा भी क्या होगी, स्टिकी होगी,
पॉलन ग्रेन उस पर चिपक जाएंगे एंड इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा बाय द इंसेक्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटेमोफिली बोलेंगे। लेकिन आपको समझना यहाँ पे ये है कि एक फ्लावर से पॉलन उठाया, इसके पॉलिनेटर ने किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ले जाकर के क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो डाइकोगैमी में, साल्विया में ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है टू एंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन, और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म, या फिर इसको बोलेंगे टर्न पाइप मैकेनिज्म। बहुत सिंपल है समझ पाना इसको, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है इस तरीके से टर्न हो गया है पाइप के जैसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग एग्जांपल हो गया, और हम लोगों ने बहुत सारे मैकेनिज्म पॉलिनेशन के पढ़े थे इसके पहले, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है इसका पॉलिनेशन का साल्विया प्लांट में। तो प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस बात हमको समझ में आ गई कि जब मेल पहले मैच्योर होगा तो प्रोटेंड्रस, फीमेल पहले मैच्योर होगी तो प्रोटोगाइनस बोलेंगे इसको। प्रोटेंड्रस कंडीशन हमको देखने को मिलेगा किसमें, सनफ्लावर और साल्विया में, जबकि प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगा हमको किसमें, प्लांटैगो, ग्लोरियोसा और मीराबिलिस एलाफा या 4 o'clock प्लांट में। मीराबिलिस और सनफ्लावर में इक्वल चांसेस होते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के, और साल्विया में टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है जस्ट टू एंश्योर द चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और वी कैन से आउटब्रीडिंग। तीसरे इंपॉर्टेंट अगर डिवाइस पे मैं आऊं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस और मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और स्टाइली वर्ड यहाँ पे एसोसिएटेड है किससे, स्टाइल से। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें मल्टी कालपेरिडी कंडीशन होगी, जहां पे कार्पल्स का नंबर मोर देन 2 होगा, कई सारा होगा, तो इसमें जो स्टाइल है इसकी लेंथ वेरिएबल होगी अलग अलग। एक ही स्पीसीज के फ्लावर की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग लेंथ वाली स्टाइल वाली क्या पाई जाती है, पिस्टिल या कार्पल। जैसे कि अगर इसको हम डायग्राम से समझें, तो सपोज ये थैलमस है, और सपोज इसे मल्टी कालपेरिडी कंडीशन है इस फ्लावर पे, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए पिस्टिल, तो बेसल्स वाले पोर्शन ओवरी, उसके ऊपर ये क्या है, स्टाइल, और अपर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अगर मल्टी कल्पेटरी कंडीशन हो तो यहाँ पे एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगी, पिस्टिल या कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। सपोज ये तीसरा है इस तरीके से, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर, तो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ साथ मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, यानी कि इससे प्रेजेंट होंगे स्टैमेन, तो यहां पे मैं तीन पॉसिबिलिटीज बना रखा हूं, एक सबसे लंबी लेंथ वाली स्टाइल वाली पिस्टिल, एक मीडियम लेंथ वाली और एक शॉर्ट लेंथ वाली। इसी तरीके से स्टैमेन में एक लॉन्ग फिलामेंट है और दूसरा मीडियम लेंथ का फिलामेंट है और तीसरा शॉर्ट लेंथ का फिलामेंट है। समझने की बात इसमें यह है कि जिस फ्लावर में लॉन्ग स्टाइल वाली पिस्टिल प्रेजेंट होगी, उस फ्लावर में कभी भी लॉन्ग फिलामेंट वाला स्टैमेन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर ये वाला, ये लॉन्ग वाली पिस्टिल है, लॉन्ग स्टाइल वाली पिस्टिल है, तो ये इसमें ये वाला स्टैमेन नहीं होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये एक छोटी लेंथ वाला फिलामेंट कंटेनिंग स्टैमेन का ये जो एंथर है, इसका पॉलन आसानी से यहां जा सकता है, कभी नहीं जा पाएगा। और अगर इस पे इसका पॉलिनेटर बैठता भी है, इंसेक्ट कोई बैठता भी है, तो इस फ्लावर से जब ये उठेगा तो किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो पॉलिनेटर्स हैं इनके पास बहुत सेंस है, ये नेक्टर लेने के लिए आए हैं, ये पॉलिनेशन कराने के लिए नहीं आए हैं। तो एक फ्लावर से अगर नेक्टर ले लेंगे तो ये फिर से नेक्टर लेने के लिए किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, और यहाँ पे फंक्शनली क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर दूसरे प्लांट पे चले गए तो फॉर श्योर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हेटरोस्टाइली प्रेजेंट होती है, जिन प्लांट्स में, उनके लिए हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक जैस्मिन
जैस्मिन के फ्लावर में हमको हेटरोस्टाइली देखने को मिलेगी, और एक और एग्जांपल हमको याद रखना है, दैट इज प्राइम रोज। प्राइम रोज के फ्लावर में भी हमको देखने को मिलेगा हेटरोस्टाइली, हेटरोस्टाइली। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तीसरी डिवाइस हेटरोस्टाइली। अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करें जो एनकरेज करेगा आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन को, दैट इज हेरकोगैमी। हेरकोटर डिराइव्ड है यहां से हेरिकोज से, और हेरिकोज का मतलब होता है बैरियर। हेरको हेरिकोज का मतलब क्या है? बैरियर। हेरकोगैमी, गैमी का मतलब गैमीट्स, किनके बीच में बैरियर? गैमीट्स के बीच में बैरियर है। यहां पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये कोई फ्लावर है, उसका ये थैलमस है, और यहां पे मान लीजिए कई सारी इसमें क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से कई सारी मतलब ढेर सारी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, कार्पेल या पिस्टिल, और ये है इनके सपोज स्टैमेंस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टैमेन का लेबल ये है और स्टिग्मा का लेबल ये है, तो इसके बीच में यहां पे एक इमेजिनरी वेरिएशन आ गया। तो आपने आप से खुद से यहां इस एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज हो करके यहां नहीं आ सकते हैं। अगर ऊपर होता ये तो गिर सकते थे नीचे, अगर एंथर यहां लाई करता, स्टिग्मा का लेबल ये होता, तो जब डिस्टेंस होता है एंथर का, तो हो सकता है वो लैंड कर जाता इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, लेकिन स्टिग्मा ऊपर है एंथर नीचे है, तो अपने आप से यहां पॉलिन नहीं जा सकते। फिर वही बात आती है कि अगर इंसेक्ट बैठेगा तो वो दूसरे फ्लावर पे ले जाएगा पॉलिन को, या दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ले जाएगा पॉलिन को, क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ये यहां पे जस्ट एक बैरियर, इमेजिनरी बैरियर बन जा रहा है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं हेरकोगैमी। एक्चुअली हेरकोगैमी और हेटरोस्टाइली की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो यहां पे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बोथ इन केस ऑफ हेटरोस्टाइली एंड हेरकोगैमी, पोजीशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा अलग अलग है, पोजीशन इनका क्या हो गया? डिफर हो गया, अलग अलग पोजीशन पे ये लाई कर रहे हैं, तो चांसेस कम हो जाएंगे किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के। तो एनसीईआरटी कह रही है या तो यहां पे क्या होगी, डिफरेंट लेंथ की होगी स्टाइल, डिफरेंट लेंथ वाले स्टाइल वाली पिस्टिल होगी, या डिफरेंट लेंथ के फिलामेंट वाला स्टैमेन होगा, या फिर यहां पे हेरकोगैमी हो सकती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं कर रही है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक शब्द पे लिख दिया है यहां पे कि पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा किसका? किसका? एंथर्स और स्टिग्मा का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हेटरोस्टाइली में भी पोजीशन डिफरेंट हो जा रहा है और हेरकोगैमी में भी पोजीशन डिफरेंट हो जा रहा है। तो अगर पोजीशन डिफरेंट है तो चांसेस कम हो जाएंगे किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए और क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए बिटवीन द एंथर्स एंड स्टिग्मा, और यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंटली प्लेस्ड है, इनकी पोजीशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा हो जाएगी, क्या हो? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये हेरकोगैमी हमको देखने को मिलेगी केलोट्रोपिस में और पैंसी प्लांट में, केलोट्रोपिस और पैंसी प्लांट में। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं किसमें? हेरकोगैमी में। अब मैं आता हूं फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिवाइस या मैकेनिज्म पे जो एनकरेज करेगी किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को, और डिस्करेज करेगी किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और वी कैन से सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको ध्यान से आप समझिए कि सपोज ये एक कोई क्या है, फ्लावर है, और ये फ्लावर का फीमेल रिसेप्टिव सरफेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, और इसके नीचे यहाँ पे है स्टाइल, और साइलेंट बल्ज वेसल पोर्शन जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरी, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लावर का थैलमस, और थैलमस के थर्ड नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेमन कंसिस्टिंग ऑफ फिलामेंट एंड बाइलोब एंथर। अगर मैं दूसरा फ्लावर ड्रॉ करूं तो स्टिग्मा, जस्ट बिलो द स्टिग्मा देयर विल बी योर स्टाइल, एंड
द बेसल स्वेलन बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल इज डिफाइंड एज ओवरी, और ओवरी के नीचे यहां पे पड़ा हुआ है थैलेमस, और थर्ड नोट ऑफ थैलेमस पे यहां पे फिर से स्टैमेन। अब अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि अगर यहां पे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो रहे हैं, तो जब एंथर डिसाइज होगा तो पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाएगा आफ्टर द डिसाइज ऑफ एंथर, और अगर अपने आप या किसी मीडियम के थ्रू ये यहां पे लैंड करे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो जर्मिनेशन के चांसेस होते थे, यानी कि ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करके मेल गैमेट को यहां तक भेज देता था, या फिर सेम इसी में हम समझ ले, या फिर अगर ये पॉलन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया तो भी यहां पे जो पॉलन ग्रेन पहुंचेगा, ये जो पॉलन ग्रेन यहां पे लैंड कर रहा है ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर तीसरी कंडीशन बन सकती है कि ये किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, किसी दूसरे फ्लावर पे दूसरे प्लांट के। तो तीन प्रोबेबिलिटी है, उसी फ्लावर के अंथर से पॉलन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, दैट इज ऑटोगैमी, और एक फ्लावर के अंथर से स्टिग्मा, एक फ्लावर के अंथर से पॉलन निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करे लेकिन उसी प्लांट का हो, दैट इज यूटर्नोगैमी। लेकिन अगर एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ीनोगैमी। लेकिन प्लांट डिफरेंट भले हो जाए लेकिन प्लांट का स्पीसीज सेम होना चाहिए, तभी पॉलन ग्रेन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द पिस्टिल। बेसिकली पिस्टिल और कॉर्पल हैज डिफरेंट बेसिक राइट्स, जिसके बेसिस पे वो क्या करती है, पॉलन ग्रेन को या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट कर देगी, उसको हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में पढ़ेंगे अगली हेडिंग में। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि सेम स्पीसीज के पॉलन ही जर्मिनेट करते हैं ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे उसी स्पीसीज के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन अगर आया होगा तभी पिस्टिल उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा, और उस ट्यूब की हेल्प से पॉलन के अंदर जो दो गैमिट्स हैं वो पहुंच पाएंगे कहां तक, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर तक। तो यहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर्स भी हैं जहां पे खुद के पॉलन स्टिग्मा पे कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, उनके जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देती है स्टिग्मा या पिस्टिल। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से अगर यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और ये इस स्टिग्मा पे लैंड करे, यहां पे ये पॉलन ग्रेन लैंड करे, तो ये पॉलन ग्रेन कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसी भी कंडीशन कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में देखने को मिलती है, यानी कि यहां पे अपने पॉलन सेल्फ मतलब सेम, अपने पॉलन ही क्या है, इनकम्पैटिबल है। क्योंकि अगर सेम स्पीसीज के पॉलन हैं जो जर्मिनेट कर पा रहे हैं उनको हम लोग कंपैटिबल पॉलन बोलते हैं, लेकिन अगर अपने ही पॉलन क्या हो जा रहे हैं, जर्मिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उनको जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो वो अपने ही पॉलन क्या हो गए, इनकम्पैटिबल। और इसी फिनोमेना को मैं बोल रहा हूं इनकम्पैटिबिलिटी, और इनकम्पैटिबिलिटी किसकी, खुद के पॉलन की, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओवरऑल ये जेनेटिक्स पे बेस्ड होता है, ये एक जेनेटिक फिनोमेना है। ये हमने कहा कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये एक जेनेटिक फिनोमेना है, ये इसके पीछे पूरी तरीके से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, केवल जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस एग्जाम्पल भी वहां पे हम पढ़ेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में अगर ये टोबैको प्लांट का फ्लावर है तो इसमें खुद के पॉलन खुद के स्टिग्मा पे कभी भी जर्मिनेट नहीं किए कर पाते हैं, वो इनहिबिट कर दिए जाते हैं, इनका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने समझ लिया, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैथड है, या कह सकते हैं मैकेनिज्म है, डिवाइस है जो इंश्योर करेगी किसको, आउटब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन को, आउटब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन को। लास्ट में एक सिक्स्थ डिवाइस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज डायोसी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था
कि जिस तरह से फ्लावर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं इस बेसिस पे कि उसमें एक सेक्स ऑर्गन है या दोनों सेक्स ऑर्गन है, बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं प्लांट्स को भी। अगर एक प्लांट ऐसा है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट। और अगर सिर्फ मेल या केवल फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में तो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे अगर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा फ्लावर में, और अगर एक ऐसा प्लांट है जिसमें केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रेजेंट हैं चाहे मेल चाहे फीमेल, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं डायसियस प्लांट। मैं ये कह रहा हूं कि प्लांट्स की हमारे पास दो कैटेगरी है। एक अगर इसमें मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, तब ऐसे प्लांट को मैं बोल रहा हूं मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट इसको फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो तो उन प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे डायोसियस प्लांट्स, डायोसियस प्लांट्स। तो मोनोइसियस प्लांट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि कैस्टर हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गए, बहुत सारे कुकुरबिट्स हो गए, इन सब में मोनोइसी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे मोनोइसियस प्लांट्स होते हैं। मोनोइसियस प्लांट्स मतलब इनमें मेल भी और फीमेल भी दोनों ही तरीके के क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे, या फिर बाईसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि इसको हम अगर डायग्रामेटिकली समझें, सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये मान लीजिए एक कोई क्या है फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है। इसी तरीके से मान लो ये कोई दूसरा प्लांट है और इसमें भी हो सकता है ये एक फ्लावर हो, कई सारे फ्लावर्स हो सकते हैं इस तरीके से। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मान लो क्या है स्टेमिनेट फ्लावर मेल फ्लावर, ये क्या है पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। या फिर दूसरे प्लांट में एक और प्रोबेबिलिटी में बना रहा हूं, जैसे कि सपोज इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग ना होकर के मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में है, तो ऐसे फ्लावर को मैं बोलूंगा बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर। और इन फ्लावर्स को मैं क्या बोलूंगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन ये प्लांट कैसा हो जाएगा, मोनोइसियस प्लांट हो जाएगा, मोनोइसियस प्लांट हो जाएगा। अब सपोज करो कि ये मान लो मेल फ्लावर है इस प्लांट का, तो अगर हम ये पहले प्लांट पे फोकस करें तो इस मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर होगा। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो इस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे ज़िटोनोगैमी, ज़िटोनोगैमी। इस प्रोसेस को यानी कि इस वाले हम फिनोमेना को क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन को क्या बोल रहे हैं ज़िटोनोगैमी। जब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे ज़िटोनोगैमी। लेकिन अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन भी है, इसमें रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड रिलीज ऑफ पोलन पे और क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी है बिटवीन द एंथर्स एंड स्टिग्मा, तो हो सकता है कि इसी फ्लावर के एंथर से पोलन रिलीज हो और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, और इस पॉलिनेशन को मैं डिफाइन करूंगा एज ऑटोगैमी। इसको मैं बोल रहा हूँ ऑटोगैमी, यहाँ पे ऑटोगैमी होगी। लेकिन अगर हम इस फ्लावर में क्या करें एंथर को रिमूव कर दें, सो द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाईसेक्सुअल फ्लावर बिफोर इट्स मैच्योरेशन इज डिफाइंड एज ईमैस्कुलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। किसी एक बाईसेक्सुअल फ्लावर में से, किसी एक बाईसेक्सुअल फ्लावर में से उसके एंथर को मैच्योरेशन से पहले अगर हम कट करके रिमूव कर दे रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं ईमैस्कुलेशन, और फ्लावर को हम लोग बोलेंगे ईमैस्कुलेटेड फ्लावर। और सोच के देखिए अगर हम सारे एंथर को हटा दिए तो सिर्फ उसमें क्या बचेंगे, कार्पल पिस्टिल पिस्टिल बचेंगे, यानी कि उसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी अब ये क्या हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। तो इमैस्कुलेटेड बाईसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तरह एक्ट करने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये फीमेल फ्लावर मेच्योर होगी या बाईसेक्सुअल फीमेल पार्ट क्या बाईसेक्सुअल फ्लावर का फीमेल पार्ट मेच्योर होगा, तो उस टाइम पे यहां से इसी प्लांट के दूसरे किसी फ्लावर से, हो सकता है वो भी बाईसेक्सुअल हो, हो सकता है वो भी बाईसेक्सुअल हो, तो इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा इस इमैस्कुलेटेड
फ्लावर पे, इस इमैस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जिटोनोगैमी। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास मोनोइसियस प्लांट में बाइसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल, और भी कैसे कि सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, हमने क्या कर दिया, सबको इमैस्कुलेट कर दिया, या कुछ को इमैस्कुलेट करके उसकी बैगिंग कर दी, और फिर उसके बाद दूसरे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करा दिया। यानी कि ओवरऑल हमने क्या कर दिया, ऑटोगैमी को इनहिबिट कर दिया, ऑटोगैमी को इनहिबिट कर दिया। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इन दोनों फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है और ये दोनों ही फ्लावर्स एक ही प्लांट के हैं, तो इस फिनोमेना को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ज़िगोनोगैमी बोलेंगे। तो हम किसी मोनोइसियस प्लांट में, किसी मोनोइसियस प्लांट में ऑटोगैमी को रोक सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पिछले किसी वीडियो में कि हम कहाँ पे ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, या वहाँ पे ज़िटोनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहाँ पे ऑटोगैमी या ज़िटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि मोनोइसियस प्लांट हो, फ्लावर चाहे यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल हो, तो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को मोनोइसियस प्लांट के इमैस्कुलेट करके वहां पे ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रिवेंट ज़िटोनोगैमी। हम लोग ज़िटोनोगैमी नहीं प्रिवेंट कर सकते, क्योंकि इसी प्लांट में दूसरा फ्लावर भी है और उसका पॉलन ग्रेन जा सकता है इस इमैस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो सेम प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, तो ज़िटोनोगैमी होगी। सो मोनोइसियस प्लांट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट ज़िटोनोगैमी। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऑटोगैमी को रोक सकता है मोनोइसियस प्लांट, लेकिन ज़िटोनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें डायसियस प्लांट की, तो डायसियस प्लांट पे तो कंडीशन ये है, डायसियस प्लांट पे तो कंडीशन है कि डायसियस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर ही अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। सपोज ये एक प्लांट है, इस पे सारे फ्लावर्स कैसे हैं, स्टेमिनेट हैं, चाहे जितने फ्लावर हो लेकिन सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, यहाँ पे स्टेमिनेट यानी मेल फ्लावर होंगे। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट है, वो भी क्या है, डाइसियस है, तो इस पे सपोज जितने भी, ये रेयर केस में होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक प्लांट ये है, दैट इज P1, दिस इज P2, ये क्या है, इसमें सारे के सारे फ्लावर्स मेल हैं, इसमें सारे के सारे क्या है, फ्लावर्स फीमेल हैं। तो सिर्फ एक चांस बनता है, और ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायसियस प्लांट, जिसमें सिर्फ मेल या सिर्फ क्या हो, फीमेल फ्लावर्स हो। तो इसमें सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस प्लांट के, इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और इस प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करे, और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है पॉलिनेशन की, इस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़िगोनोगैमी, ज़िगोनोगैमी। तो ना तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे ना तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ना ही यहाँ पे एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट है, यानी ना तो यहाँ पे मोनोइसियस कंडीशन है, क्योंकि हम इटसेल्फ बात करें डाइसियस कंडीशन की, तो यहाँ पे दोनों ही प्रोबेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, किसकी किसकी, ऑटोगैमी एज वेल एज ज़िटोनोगैमी की। तो डाइसियस प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड ज़िटोनोगैमी, व्हाइल मोनोइसियस प्लांट प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगैमी बट नॉट ज़िटोनोगैमी। मोनोइसियस प्लांट कैन नॉट प्रिवेंट ज़िटोनोगैमी, बट डायसियस प्लांट कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड ज़िटोनोगैमी, दोनों के दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखते हैं दोनों कैटेगरी के। मोनोइसियस में मैंने आपको बताया कि मोनोइसियस प्लांट जो होंगे इनके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं, दैट इज मेज, कैस्टर, कोकोनट, इसी तरीके से कुकुरबिट, कम से कम ये चार एग्जाम्पल तो हमको याद रखने हैं क्योंकि ये NCERT के हैं। इसी तरीके से अगर हम डायसियस प्लांट की बात करें, तो डायसियस प्लांट में पपाया और डेट पाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोइसियस प्लांट में ऑटोगैमी को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, ज़िटोनोगैमी को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मोनोइसियस प्लांट जो होगा वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर पाएगा, ज़िटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे दोनों प्लांट के बीच में।
तो कौन से प्लांट पे हम ऑटोगैमी ज़िगोटोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवांटेजेस कौन सा पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन में रोल प्ले करेगा, और बहुत सारे वेरिएशन आएंगे तो इसका सर्वाइवल क्या होगा ज्यादा होगा, सर्वाइवल के प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी ज्यादा होंगी, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा इसका ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे वेरियंट्स प्रोड्यूस होंगे, कोई ना कोई वेरियंट को तो नेचर सेलेक्ट करेगी ही करेगी, यानी कि इनका जो सर्वाइवल है उसका चांस क्या हो जाएगा, इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस हो गया हमारा ज़िगोटोगैमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्लांट्स होंगे जो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होंगे या फिर उनका बहुत ज्यादा चांस होगा सर्वाइवल में, तो वो कौन से होंगे, डायसियस, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ ज़िगोटोगैमी हो रहा है और ज़िगोटोगैमी जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, फॉर श्योर ये वेरिएशन प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे डायसियस प्लांट में ऑटोगैमी और ज़िगोटोगैमी दोनों को रोक सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ज़िगोटोगैमी। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ एक जनरल नॉलेज के तौर पे, कि कौन से फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी होगी, आंसर इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, जैसे कि वियोला, कॉमन पैंसी वगैरह, ऑक्सैलिस कॉमेलिना वगैरह। तो और कौन से प्लांट में सिर्फ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा या ज़िगोटोगैमी होगा, तो डायसियस प्लांट में, डायसियस प्लांट में सिर्फ क्या होगा, ज़िगोटोगैमी होगा, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। तो इतनी छोटी सी बात थी इसमें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने पढ़ा इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइस में। तो एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में पॉलिनेशन वाले सेक्शन में ही, तो उसको आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़िए सारी लाइंस उसके, मैंने लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और फिर इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।